कोई सुरेश नाम का लड़का एक बड़े दूध के व्यापारी के यहाँ काम करता था। नगर के सभी लोग उसी व्यापारी के यहाँ से दूध खरीदते थे। कुछ महीनों के बाद सुरेश उस दूध में मिलावट करने लगा और बाकी का दूध दूसरे नगर में बेचने लगा। कुछ समय के बाद धीरे धीरे नगर के लोगों ने उस व्यापारी के यहाँ से दूध खरीदना बंद कर दिया। एक दिन व्यापारी ने देखा कि सुरेश ही दूध में मिलावट करता है। तब व्यापारी ने सहसा अकबर के दरबार में शिकायत लेकर जाता है। सभा में उस सुरेश के परिवार वाले भी आते हैं, जो उस व्यापारी के हुए नुकसान का हर्जाना भरने को तैयार रहते हैं। तो ठीक है, इनका जो भी नुकसान हुआ है वह इन्हें दे दिया जाए। माफ करें हुजूर, नगर वालों का इस व्यापारी से तो विश्वास उठ गया है, अब कौन इनका दूध खरीदेगा? और सुरेश को तो इस गलती की सजा भी नहीं मिली। तो क्या करना चाहिए बीरबल? हुजूर, नुकसान की भरपाई के साथ इस सुरेश को भी कोई ना कोई सजा देनी चाहिए, ताकि वह भविष्य में ऐसी गलती करने से पहले डरे। तो ऐसे कैसी सजा देनी चाहिए बीरबल? हुजूर, जैसा बोया है वैसा काटना होगा। मतलब बीरबल? हुजूर, इस सुरेश के कारण नगर वालों का इस व्यापारी से विश्वास उठ गया है। इस विश्वास को फिर बनाने के लिए नगर में इस व्यापारी का दूध जहाँ जहाँ बेचा जाता था, वहाँ वहाँ इस सुरेश को दो सैनिकों के साथ ले जाकर अपना किया धरा बताना होगा कि इसमें व्यापारी का कोई दोष नहीं है, दूध में मिलावट मैं ही करता था। ऐसा करने से सुरेश का असली चेहरा नगर वासियों के सामने आ जाएगा। इससे सुरेश को समझ आ जाएगा कि लोगों में विश्वास बनाने में कितना समय लगता है और तोड़ने में कितना। ठीक कहा बीरबल तुमने, इसके लिए ये सजा सही है।